वेरी गुड इवनिंग टू ऑल, वेलकम टू माय चैनल क्रैक विद चंदन सर। सो दैट कि आप मैंने जमी एंसेंट इंडिया क्वेश्चन को डिस्कसन करुले आज से एंसेंट इंडिया पार्ट थ्री रही थिंक जोटा कि आप डिस्कसन करवा तो चैनल नेम रही क्रैक विद चंदन सर जो आप सब्सक्राइब करेंगे लाइक करेंगे यह हूँ आप दायित्व जमीक आप नेक्स्ट क्लास जमीक नेक्स्ट सेसन जमीक मुझे आनबी किंवा आपणकर थ्योरी क्लासेस आगे आसपा जाऊँगी एंड टेलीग्राम चैनल जॉइन करने आप जीएस गुरु चंदन सर को आप जॉइन करेंगे यमें एंड यह रही आप व्हाट्सएप ग्रुप नंबर जो थे आप ग्रुप जॉइन करेंगे तेणु ये ग्रुप जॉइन करने पेड ग्रुप रोचे आई थिंक जमीक आप बुझीपे कि प्रिवियसली आप क्वेश्चन सेट दे दिजिव जोटा कि आप अनअकाडेमी प्लस जो थ्योरी क्लासेस रोचे अथवा आप जो थ्योरी क्लासेस कर इसे आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिया जीवो एंड जो क्वेश्चन आपको दिगला तार सल्यूसन आपण मैंने करेंगे देन यार वीडियो सल्यूसन मुझको प्रोवाइड करी एंड देन आपर संडे दिन यार डाउट क्लीयरिंग सेशन गूगल मीट माध्यम सो दैट कि आप ग्रुप जॉइन करने द्वारा आपंकर रिविजन प्राक्टिस रे टू दमती कि आप जो थ्योरी क्लास करुँच से क्वेश्चन आनालीटिकल जो क्वेश्चन रार प्राक्टिस र सो आपने क्वेश्चन देखिए निश्चित भाव जापर एंड से ग्रुप जॉइन करने नंबर में आप मतलब कंटाक्ट करने पड़ो एंड नेक्स्ट रही है आपंकर टॉपिक जोटा कि एंसेंट इंडिया हिस्ट्री बट रही एंसेंट इंडिया तीन नंबर क्लास सो दैट देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कौन रही हू स्टेटमेंट इज राइट अमंग देम कुशान एस्टाब्लिश द ट्रेड एंड कमर्स स्पेशली विथ चाइना एम्पायर बुद्धिज्म वाज इंट्रोड्यूस इन चाइना बाय काश्यप मातंग पीरियड ऑफ मौर्य तबे जदि आम देखु या भितर केउटा रॉन्ग आ केउटा राइट स्टेटमेंट रही तो राइट एमंग देम पचारी भितर केउटा राइट रही कुसान एस्टाब्लिश ट्रेड एंड कमर्स स्पेशियली विथ चाइना एम्पायर यह के नुह स्पेशियली विथ रोमन एम्पायर रोमन एम्पायर सहित जहाँकि कुशान मान ही ट्रेड एंड कमर्स जो इंडो ग्रीक थे रोमन सहित हिं ट्रेड एंड कमर्स स्पेशियली जहाँकि रोमन सहित एस्टाब्लीश करते बुद्धिजिम इंट्रोड्यूस इन चाइना बाय काश्यप मातंग यह काश्यप मातंग यह हूँ पीरियड ऑफ कनिष्क जहाँ आम कुशाण कहींपर पीरियड ऑफ कनिष्क बाकी कनिष्क हो कुशाण रूलर तेणु नॉन इज राइट बा ऑप्शन डी हूँ आपंकर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड केयरफुली मुझे कही रखे जदि आपणकर नोट मध्यम यह दि जाए ये क्वेश्चन को आप नोट डाउन करेंगे नोट यहाँ एडिट करें जो मैंने मत रेगुलरली फॉलो हिस्ट्री क्लास रे ऑन एकेडमी रे हुज स्टेटमेंट इज ट्रू चीफ पैटर्न ऑफ गांधारा आर्ट वे आर कुशान एंड साकस गांधारा आर्ट और मथुरा आर्ट जो रही गांधारा आर्ट रो चीफ पैटर्न होचंती कुशान आउ साकस बा साकस आउ कुशान होचंती यार एस्टैब्लिश बा फाउंडर बा चीफ पैटर्न बोली कहि परबा कि तो निश्चित भाव यह राइट रही इट वाज मेनली इन्फ्लुएंस्ड बाय बुद्धिस्ट कल्चर यस गांधारा आर्ट जो रही बुद्धिस्ट कल्चर उपरे बेसिकली आधारित यह मध्य राइट रही गांधारा बुद्ध इज सोन इन वन ऑफ द फोर मुद्रा जो गांधारा आर्ट रही बा इन गांधारा आर्ट बुद्ध इज नोन बुद्ध इज सोन इन वन ऑफ द फोर मुद्रा जहाँकि आपड़ कहीपर अभय ध्यान आउट हूँ आपणकर भूमिस्पर्श मुद्रा आउट हूँ धर्मकार ओके ये जोटा कि आप चारोटी मुद्रा रही जोटा कि भय नुहे अभय मुद्रा अभय ध्यान भूमिस्पर्श आउट हूँ धर्मचक्र मान जोटा कि आपणकर धर्मचक्र मुद्रा जोटा को आपड़ धर्मकार धर्मचक्र मुद्रा जोटा को आपड़ सर्मन बोली कहते अष्टांगिक मार्ग ये चारोटी
अभय ध्यान धर्मचक्र आउट होची भूमिस्पर्श ये चारोटी मुद्रा रे जाकी गांधारा आठ आधारित गौतम बुद्धंकर चारोटी मुद्रा को ने यहाँ मध्य राइट रही तबे ऑप्शन डी हो जी अगेन राइट द ऑल ऑफ द एबव हो जी इरा राइट आंसर बस सबूत गण का ट्रू रही ची ओके नेक्स्ट क्वेश्चन जीबा हुज स्टेटमेंट इज रॉन्ग मथुरा एट रिलेटेड टू जैन बुद्धिस्ट ब्राह्मणिकल इमेज अर्थात जिते भी आप ब्राह्मणिकल कहतु हिंदुजिम ब्राह्मणिजिम कहतु बुद्धिस्ट कहतु जैनिजिम कहतु ये समस्त को रिलेट कर जमीक गांधारा आर्ट और मथुरा आर्ट भर विशेष डिफरेन्स केवल बुद्धिस्ट कल्चर को रिप्रेजेंट करुला गांधारा आर्ट कि मथुरा आर्ट जिते भी आप रिलीजन रही जैन बुद्धिस्ट ब्राह्मणिकल ये समस्त को रिप्रेजेंट करुला मथुरा आर्ट तबे यार मेन सेंटर कौन मथुरा रही कि आठ तक्षशिला यहाँ पर दुईट स्टेटमेंट रखा जा तो फास्ट ऑप्शन तो निश्चित भाव राइट रही किंतु द्वितीय ऑप्शन टी भूल रही राइट रही भूल रही अर्थात जो मेन सेंटर रही तक्षशिला नुहे मेन सेंटर ऑफ मथुरा आर्ट एट सारनाथ मन रखिए यह नोट डाउन करेंगे मेन सेंटर होची ऑफ मथुरा आर्ट इज सारनाथ एंड यदि हमें जो गांधारा आर्ट कथा कहिबा गांधारा आर्ट रो मेन सेंटर होची तक्षशिला गांधारा आर्ट रो मेन सेंटर होची तक्षशिला बट मथुरा आर्ट रो मेन सेंटर होची सारनाथ याको भलो भाबे क्लियरली नोट करिवे एंड ऑप्शन बी होची यार राइट आंसर अर्थात ओनली बी इज रॉन्ग ओके नेक्स्ट क्वेश्चन रही कि हुईज अ स्टेटमेंट इज राइट एमंग देम पैट्रोनाइज ऑफ गोटे मिनट टिके मुझे प्रूव कर दूसरी कहीं देखा जाऊ हाँ हाँ क्लियर है हाँ तो हुईज स्टेटमेंट इज रॉन्ग एमंग देम पैट्रोनाइज ऑफ फर्स्ट जोटा कि आपणकर कहींपर कौन जो रिप्रेजेंट बुद्धस लाइफ फ्रॉम जातक स्टोरीज मेन सेंटर ऑफ अमर मेन सेंटर इज अमरावती एंड नागार्जुन कोंडा ओके तो यहाँ आपणकर जोटा कि पैट्रोनाइज फास्ट बाय कुषाण यहाँ तो टी डाउट रोच किसी गोटे लिखापी चाहूँगी क्वेश्चन चार नंबर टे फिर भी मुझे करेक्शन करिया पई चाहूं छी फर्स्ट बाय क्वेश्चन पैटर्नाइज स्टेटमेंट राइट अमंग देम पैटर्नाइज द फर्स्ट बाय क्वेश्चन कि छोटे वर्ड मु छाड़ी दे छी आई थिंक क्वेश्चन ने एंड रिप्रेजेंट बुद्धस लाइफ एंड फ्रॉम जातक स्टोरीज आ जोटा ही लेखियो चाहतली सेटा ही आपनकर ए क्वेश्चन भितरे रंग रजतन करी चार नंबर क्वेश्चन को माउथरे आपनको देदेवी चार नंबर क्वेश्चन को आपको आउ थे देदेवी बोध किसी मिस्टेक रही है चार नंबर क्वेश्चन रे सो दैट कि चार नंबर क्वेश्चन को जो वार्ड रही से वार्ड टी जोटा कि आपणकर मिस्टेक लगुच ओके तो मुझे आपन को अच्छा मु आई थिंक सो करेक्शन करदे आपड़ा को देखने हाँ हुई स्टेटमेंट राइट एमंग देम पैटर्नाइज ऑफ मथुरा आर्ट यस मथुरा आर्ट जो रही आपणकर जो मथुरा आर्ट रही मथुरा आर्ट गोटे मिनिट टिके रुंतु यस हाँ सॉरी मथुरा आर्ट कहे यस मुझे जानपरि क्वेश्चन जोड़ा गोटे मिस्टेक होता मुझे आपंकर करेक्शन करदे नॉट मथुरा आर्ट इट्स अमरावती आर्ट ओके गांधारा आर्ट मथुरा आर्ट एंड अमरावती आर्ट यस मुझे छाड़ दे यहाँ हूँ हुज स्टेटमेंट इज राइट एमंग देम अकॉर्डिंग टू अमरावती आर्ट यस अमरावती आर्ट अमरावती आर्ट जो रही संबंधी क्वेश्चन रही ताहले ये जो अमरावती आर्ट रही पैटर्नाइज्ड द फर्स्ट बाय कुषाण नहीं कदापि नुहे यहाँ सतवाहन्स जो अमरावती आर्ट थिला यह आंध्रा किंग बा सतवाहन पीरियड समकालीन अटे एंड इट रिप्रेजेंट बुद्धस लाइफ फ्रॉम जातक स्टोरी
बिल्कुल राइट, यहाँ बुद्धंकर लाइफ एंड जातक स्टोरीज को रिलेट करके रही। एवं मेन सेंटर हूँ अमरावती एंड नागार्जुन कोंडा। ओके तेणु बी सी आपणकर राइट रही। इट मीन्स बोथ बी एंड सी हूँ राइट। ए एथिपाई की भूल जोटा हूँ कुषाण जो रही ए कुषाण हम ना हम सतवाहांस तो पैटर्नाइज फास्ट बाय सतवाहांस लैटर यह अमरावती आर्ट को आउ को रूलर या को रिप्रेजेंट करी थी किंतु फर्स्ट पैटर्नाइज बाय सतवाहांस जहाँ को हमें आंध्रा किंग कहे जोटा कि कुषाणस नुहे यहाँ हूँ अकॉर्डिंग टू अमरावती आर्ट। यस चार नंबर क्वेश्चन टिके पे करेक्शन करेंगे आपको जो क्वेश्चन सेट दि जाइए से क्वेश्चन सेट्रे आप भिडियो को देखिए सल्यूशन देखिए ये आप क्वेश्चन टी रिड करदे हु स्टेटमेंट इज राइट एमंग देम अकॉर्डिंग टू अमरावती आर्ट तेज ऑप्शन बोथ बी एंड सी हूँ राइट। तेरे नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहला गोटे मिनिट नेक्स्ट क्वेश्चन कहला कि ग्रीको बुद्धिस्ट स्कूल जो ग्रीको बुद्धिस्ट स्कूल रही अल्सो नोन एज गांधारा स्कूल मथुरा स्कूल अमरावती नन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑप्शन ए होजे राइट आंसर। गांधारा स्कूल आर्ट जो रही ग्रीको बुद्धिस्ट कह जाए माने यह कंप्लीटली बुद्धिजिम उपर आधारित बुद्धिस्ट कल्चर बुद्धिस्ट कल्चर उपर आधारित ना मथुरा आर्ट ना अमरावती आर्ट तेणु तो गांधारा स्कूल हूँ जोटा कि ग्रीक जो रूलर मैंने थे से किसी आर्ट को रिलेट कर रही तेनाली ग्रीको बुद्धिस्ट स्कूल बोली कह जाए था अदर नेम रे जहाँ आम गांधारा स्कूल बोली कहे ऑप्शन ए हूँ यार राइट आंसर। तेज नेक्स्ट क्वेश्चन कौच कौन हु स्टेटमेंट इज रॉन्ग 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 राइट देखिए गुप्त डायनेस्टी फाउंडेड बाय चंद्रगुप्त वन चंद्रगुप्त वन टूक द टाइटल आदिराज ओनली वन ओनली टू बोथ वन एंड टू नन ऑफ द अबव देखो यह आपन को बहुत मानते बहुत ही सिंपल क्वेश्चन कि आप भाथे जो परीक्षा भी टाइप क्वेश्चन आस हाँ आप हाँ ये बहुत इजी अच्छे जोटा कि मत क्वेश्चन मोर हो कि कौटना कौटि यह आपण को सठिक आंसर देवाई पड़ ऑप्शन सी रंग पचारोटी ऑप्शन सी आंसर अर्थात बोथ ए एंड बी स्टेटमेंट आपणकर रंग हो तेणु गुप्त डायनेस्टी फाउंडेड बाय एक्चुअल आम कहीपर गुप्त डायनेस्टी मेन एम्पायर बिल्डर चंद्रगुप्त वन इंपोर्टेंट रूलर हिसाब से किंतु गुप्त डायनेस्टी फाउंडेड चंद्रगुप्त वन द्वारा हुआ ना श्रीगुप्त द्वारा हो श्रीगुप्त घटोत्कच तापर जो चंद्रगुप्त वन एक्चुअल फाउंडर ऑफ आपण कहीपर गुप्त एरा किंतु श्रीगुप्त हो फाउंडर ओनली फाउंडर चंद्रगुप्त वन टाइटल आदिराज ना आदिराज कहार श्रीगुप्त टाइटल ही आदिराज था चंद्रगुप्त वन टाइटल हूँ महाराजाधिराज महाराजाधिराज दुईट जाक स्टेटमेंट ही आपणकर रंग रही। प्रभावती गुप्त जो कपर पिलार इनस्क्रिप्शन रही कहार प्रभावती गुप्त जो रही आपणकर पुणे थारे कॉपर प्लेट इनस्क्रिप्शन आट पुना कॉपर प्लेट इनस्क्रिप्शन पुणे ठारे यहाँ ही दर्शाई थाए श्रीगुप्त होचंती एक्चुअल फाउंडर ऑफ माने डायनेस्टी ऑफ फाउंडर होचंती श्रीगुप्त एंड एक्चुअल बा ग्रेट एम्परर हिसाब रे हम कहि परबा चंद्रगुप्त वन अदरवाइज चंद्रगुप्त वन कर टाइटल होची महाराजाधिराज आदिराज नुहे। ओके सो दैट बोथ ए एंड बी द रॉन्ग स्टेटमेंट सो दैट की ऑप्शन सी होची हमरो राइट आंसर। देख तबे नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहला गोटे मिनिट नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन कहला कि व्हिच स्टेटमेंट इज रॉन्ग अकॉर्डिंग टू समुद्रगुप्त दत्ता देवी वाइफ बाय एरान पिलार इनस्क्रिप्शन समुद्रगुप्त होचंती
ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କର ୱାଇଫ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଦତ୍ତା ଦେବୀ, ବା ଦତ୍ତା ଦେବୀ ୱାଇଫ୍ କାହାର, ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କର, ବାଏ ଏରାନ୍ ପିଲାର ଇନ୍ସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍। ତ ଏରାନ୍ ପିଲାର ଇନ୍ସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଏମ୍ପିରେ ରହିଛି, ଏହାଦ୍ୱାରା ଦତ୍ତା ଦେବୀ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କର ୱାଇଫ୍ ବୋଲି ମେନ୍ସନ୍ କରାଯାଇଛି କି? ହଁ ବିଲକୁଲ, ଏହା ମେନ୍ସନ୍ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ନେପୋଲିଅନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଏହି ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କୁ ନେପୋଲିଅନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବାଏ ଭି ଏ ସ୍ମିଥ୍ କୁହାଯାଏ, ଭି ଏ ସ୍ମିଥ୍ଙ୍କ ମତରେ କି? ହଁ ବିଲକୁଲ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି। ଡିଟେଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ କ'ଣ, ଏହା ଆହ୍ଲାବାଦ ପିଲାର ଇନ୍ସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଏହା ପ୍ରୁଫ୍ ରଖିଥାଏ କି? ହଁ, ଆହ୍ଲାବାଦ ପିଲାର ଇନ୍ସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ହରିସେନ, ହରିସେନଙ୍କର ଆହ୍ଲାବାଦ ପିଲାର ଇନ୍ସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍, ଯିଏକି ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଥାଏ। ତେବେ ଅପସନ୍ ଆମର କେଉଁଠି ନାହିଁ, ମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରଙ୍ଗ ପଚାରୁଛି ଟିକିଏ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ମିଷ୍ଟେକ୍ ରହିଯାଇଛି। ଦତ୍ତା ଦେବୀ ଏରାନ୍ ପିଲାର ଇନ୍ସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ରହିଛି, ଆଉ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ନୋନ୍ ଆଜ୍ ନେପୋଲିଅନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଭି ଏ ସ୍ମିଥ୍ଙ୍କ ମତରେ, ଓକେ, ଆଉ ଡିଟେଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଆହ୍ଲାବାଦ ପିଲାର ଇନ୍ସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମେନ୍ସନ୍ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ରଙ୍ଗ ଏଠି ନୁହେଁ, ଆକୁ ଟିକିଏ କରେକ୍ସନ୍ କରିଦେବେ, ଓକେ। ଏହା ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଏମଙ୍ଗ୍ ଦେମ୍, ଓକେ, ରାଇଟ୍ ଏମଙ୍ଗ୍ ଦେମ୍, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ରାଇଟ୍ ଏମଙ୍ଗ୍ ଦେମ୍, ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏବଭ୍। ଟିକିଏ ପିଲେ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ କରେକ୍ସନ୍ କରିବେ, ଟିକିଏ ମୁଁ ରଙ୍ଗ ଲେଖିଦେଇଛି ଆଉ ଅପସନ୍କୁ ରାଇଟ୍ରେ ଦେଇଦେଇଛି, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ କି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏବଭ୍ ଆର୍ ରାଇଟ୍, ନଟ୍ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ରଙ୍ଗ, ଓକେ। ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ମାନେ ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ହୁଇ ସୁଟ୍ ମିନ୍ ଇଜ୍ ରାଇଟ୍ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ହେଡ଼ଲାଇନ୍ ରହିବ, ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏବଭ୍ ଆର୍ ରାଇଟ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ। ଟିକିଏ କରେକ୍ସନ୍ କରିବେ, ଦୁଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଟିକିଏ ଟିକିଏ କରେକ୍ସନ୍ କରିବେ। ହୁଜ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ରଙ୍ଗ, ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଟୁ ଡିକ୍ଲେୟାର୍ ଦ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ୍ ଆଜ୍ କୋର୍ଟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଟୁ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍କୁ ତାଙ୍କର କୋର୍ଟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଭାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ, ଆଣ୍ଡ ପୋଏଟିକ୍ ୱାର୍କ ଅଫ୍ କୃଷ୍ଣ ଚରିତ୍ର ଅଫ୍ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ, ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର କବିରାଜ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, କ'ଣ ତାଙ୍କର ପୋଏଟିକ୍ ୱାର୍କ ଯେଉଁ ଥିଲା ତାହା କୃଷ୍ଣ ଚରିତ୍ରମ୍ ଥିଲା। ତେବେ 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି, ରଙ୍ଗ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଓନ୍ଲି ଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ପୋଏଟିକ୍ ଚରିତ୍ରମ୍ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ, ପୋଏଟିକ୍ ୱାର୍କ କୃଷ୍ଣ ଚରିତ୍ରମ୍ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଟୁ ଡିକ୍ଲେୟାର୍ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ନୁହେଁ, ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ ହିଁ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ୍କୁ କୋର୍ଟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଭାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହା ରଙ୍ଗ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଅଛି। ତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ହୁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ରଙ୍ଗ, ନା ଓନ୍ଲି ଏ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ରଙ୍ଗ, ବି ଇଜ୍ ରାଇଟ୍, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ରାମଗୁପ୍ତ, ଯେଉଁ ରାମଗୁପ୍ତ ରହିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଆକ୍ଚୁଆଲ ସକ୍ସେସର୍ ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଏହାକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟୋରି ବିଷୟରେ କହିଛି କି ରାମଗୁପ୍ତର ଯେଉଁ ଧ୍ରୁବା ଦେବୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ, ସାକ ରୁଲର୍ ମାନେ ଧ୍ରୁବା ଦେବୀଙ୍କୁ ନେବା ସହିତ ରାମଗୁପ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦୀ ବନେଇ ରଖିଥିଲେ, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜଣେ କାୱାର୍ଡ କିଙ୍ଗ ରାମଗୁପ୍ତ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଟୁ ରାମଗୁପ୍ତ ବା ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ତାଙ୍କର ଭାଉଜ ଧ୍ରୁବା ଦେବୀଙ୍କୁ, ଯିଏକି ଏଗେନ୍ ବିବାହ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଭାଉଜଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ, ଏହା ସହିତ ସହିତ ସାକରୁଲନ୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡିଫିଟ୍ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣିତ ସେଇ ମୁଦ୍ରା ରାକ୍ଷସ, ବିଶାଖତଙ୍କର ମୁଦ୍ରା ରାକ୍ଷସ, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଯେଉଁ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଡାଇନେଷ୍ଟି ଉପରେ, ଯେମିତି ଦେବୀ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତମ୍ ଏଇ ବୁକ୍ର ଅଫ୍ ମୁଦ୍ରା ରାକ୍ଷସ ବୁକ୍ରେ ଏହା ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣିତ ରଖାଯାଇଛି। ତେବେ ରାମଗୁପ୍ତ ଦ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଡ୍ୟାଶ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲ ସକ୍ସେସର୍, ତେବେ ଏହାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ, ଏଇ ବୁକ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ଏହି ଷ୍ଟୋରି ଅନ୍ୟତ୍ର ମଧ୍ୟ ମେନ୍ସନ୍ କରାଯାଇଛି। ଦେବୀ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତମ୍ ତ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବୁକ୍ ପଢ଼ାଇ ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ଲସ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ, ଅଥବା ଏହା ସବୁର ପ୍ରୁଫ୍ ଅନ୍ୟତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ବି ସି ଡି, ଅର୍ଥାତ୍ କାବ୍ୟ ମୀମାଂସା, ସାଙ୍ଗଲି ପିଲାର ଇନ୍ସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଏବଂ ଏରାନ୍ ପିଲାର ଇନ୍ସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍, ଏ ତିନୋଟି ରହିଛି ଏଥିରେ, ଯାହାକି ରାମଗୁପ୍ତ ସକ୍ସେସର୍, ଆକ୍ଚୁଆଲ ସକ୍ସେସର୍ ହିସାବରେ। ତ ବି ସି ଡି ଅର୍ଥାତ୍ ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି
आपनकर राइट आंसर एरान पिलार एमपी तो मुझे प्रीवियसली कही सारी अफ भानुगुप्त एरान पिलार इनस्क्रिप्शन मध्यप्रदेश रही जोटा कि भानुगुप्त जाणी निहंतु सांगली पिलार इनस्क्रिप्शन महाराष्ट्र रही एंड जोटा कि गोविंद कुमार गोविंद कुमार जोटा कि रही इनस्क्रिप्शन काव्य मीमांस हूँ अब राजशेखर इनस्क्रिप्शन नुहे लेखा जाता बुक या राजशेखर लिखिं काव्य मीमांसा ये तीनो बुक आधार में आपण को रामगुप्त जी की आक्चुआल सक्सेसर अफ समुद्रगुप्त एंड स्टोरी अफ रामगुप्त जहाँ कहली यह तीनो देखा मिलता है तो ऑप्शन डी होंगे राइट आंसर बी सी डी व्हिच वन इज द नॉट नेम अफ चंद्रगुप्त टू बहुत इजी क्वेश्चन फिर भी विक्रमादित्य निश्चिंत भाव राइट आंसर सीमा विक्रम निश्चिंत भाव व्याघ्र बल पराक्रम नरेन्द्र चंद्र दस नंबर राइट आंसर होची ऑप्शन सी व्याघ्र बल पराक्रम यह चंद्रगुप्त टू नुहंती कुमारगुप्त जो कुमारगुप्त रही कुमारगुप्त होती अदर नेम रे हम कही परिबा व्याघ्र बल पराक्रम नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँगी व्हाई गुप्त एज कॉल्ड गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट इंडिया गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट इंडिया रो गुप्त एज को काहे कहते हैं ऑल रिलीजन गेट सेम इंपोर्टेंस सब रिलीजन को समान इंपोर्टेंस दिया जायतिला बोली ना ड्यू टू द गुप्त एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी एंड ड्यू टू गुप्त आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर गुप्त पीरियड रे थिबा आर्किटेक्चर आ लिटरेचर मध्य से उच्च कोट रे रहितिबा एवं गुप्त एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी मध्य बहुत उच्च कोटि रे थिबा जको याको गोल्डन एज बोली एंशिएंट इंडिया रो कोआ जाय थाई की तबे एटा को आपण कर डी ना एटा ओनली सी बोली कहि परिबे तबे ऑप्शन 11 जो रही छि आपण कर बोथ बी एंड सी ड्यू टू गुप्त एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी एंड आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर आपण कहि परिबेनी तो ऑल रिलीजन गेट सेम इम्पोर्टेंस यह नुहे समस्त को जदि बा मैंने इम्पोर्टेंस दि जाइला यह एक गोल्डन एज रो आइडेंटिफिकेशन नुहे मेनली जो एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी थिला यह सहित सहित आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर पाई कि यह बहुत ही फेमस थिला जमी नवरत्न रखा एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी भितर रही था आउ जमती कि सिल्वर कॉइन गोल्ड कॉइन ये सब एडमिनिस्ट्रेशन भितर रही था या सहित सहित विभिन्न जिन देखिले एडमिनिस्ट्रेशन भितर एवं आर्किटेक्चर और लिटरेचर पाई एंशिएंट इंडिया गोल्डन एज आम कहीपर गुप्त एडमिनिस्ट्रेशन एंड आर्किटेक्चर लिटरेचर पाई तो ऑप्शन बी हो राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन कहते मैच द फॉलोइंग ऑफिसर्स मेंशन व्हिच इज रॉन्ग पेयर गुप्त पीरियड जो ऑफिसर्स थिले तांको मैच करबा पई कहिछि एंड कुमार मत्य द हाईएस्ट ऑफिसर ऑफ गुप्त निश्चित भाव राइट रहिछि महादंड नायक हेड ऑफ पुलिस नुहे हेड ऑफ पुलिस नुहे महादंड नायक होछि जज जज को कहा जाए महादंड नायक एवं हेड ऑफ पुलिस को कहा जाए दंडपाला कहा जाए हेड ऑफ द पुलिस पुष्पपाला कीपर ऑफ रिकॉर्ड एंड गौलमिक इन चार्ज ऑफ फॉरेस्ट एंड फोर्ट तो ऑप्शन बी हूँ यार राइट आंसर महादंड नायक हूँ जज नॉट हेड ऑफ पुलिस एंड हेड ऑफ पुलिस हूँ दंडपाला ऑप्शन बी हूँ यार राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँगी व्हिच इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट गुप्ता सोशियल लाइफ गुप्ता सोशियल लाइफ को नहीं क्यों स्टेटमेंट रॉन्ग अच्छी सोसाइटी डिवाइडेड इंटू फोर बर्नर्स सोसाइटी divided into four burners during position of shudra improved society bahut hi descriptive question ya upar hi sab bele question asitae apanar ocs sab exam re au ei descriptive question apanar ocs ra main re bhi type ra question roitae analytical question ko apan jete different way re karibe sete apanar ahuri mane jo topic roichi ta ahuri depth knowledge asibo society divided into four burners during the position of shudra इम्प्रुव चारि भाग रे डिवाइड करा जायतिला ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र शूद्र मानकर पोजीशन को इम्प्रुव करा जायतिला तबे निश्चित भावे
यहाँ राइट रही स्टाटस ऑफ वोमेन इनक्रीज्ड विडो रिमैरेज अडॉप्टेड प्रश्न ही उठो वोमेन मानक स्टाटस आहुरी डिक्रीज होता विडो मैरेज विडो रिमैरेज प्रश्न ही उठूना सती सिस्टम निश्चिंत भाव रही किंतु कौन यह एरान पिलार इनस्क्रिप्शन ऑफ भानुगुप्त मध्य प्रदेश रे यार प्रूफ मिली कि तबे जदि देखिबा यह मध्य राइट रही सती यह मध्य राइट रही राइट रही किंतु आमको क्वेश्चन कौन पचारी हूँ आने से रॉन्ग स्टेटमेंट ऑप्शन बी ऑप्शन बी हूँ अरे आम रॉन्ग तेणु आमर आंसर आसवा कथा कौन ना ओनली बी कौन ऑप्शन ने अच्छी की तो जदि ना डी हूँ राइट आंसर नन अफ द एबव ए आंसर मान भितर क्योंटा भी राइट ना तेरे ओनली डी हूँ ओनली बी हूँ ओनली बी थी आंसर होता तेणुक नन हूँ आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ हूज स्टेटमेंट इज राइट अबाउट द रिलीजियस लाइफ ऑफ गुप्तास गुप्तास जो रिलीजियस लाइफ रही सोसाइटी को जब आम देखा सोसाइटी डिफरेंट पार्ट रही रिलीजियस लाइफ रिलीजियस लाइफ आदि गुप्त देखा जाए तो हूज स्टेटमेंट इज राइट इन गुप्ता एज बाय गंगाधर एडिट द विष्णु मेनसन मधुसूदन गुप्ता एज रे जो गंगाधर रही जो एडिट रही पिलार एडिट कौन विष्णु को से मधुसूदन बोली मेनसन कर विष्णु नेम मधुसूदन बाय गंगाधर एडिट इन पीरियड ऑफ गुप्त या राइट की हाँ बिल्कुल यह राइट रही तबे दशावतार जो लॉर्ड कृष्णा जो दशावतार रही दस टी अवतार यार इंट्रोड्यूस कर जोटि आप जानते झांसी देवगढ़ जार टेम्पल रही दशावतार लॉर्ड कृष्णा ये गुप्त एज रे हिंसा मेनसन कर हाँ यह राइट रही बुद्धिजीम रिसीव्ड द रॉयल पैट्रोनेज ड्यूरिंग गुप्तज ए बिल्कुल राइट जैकि बुद्धिस्ट बिहारा स्तूप ये सब मैं जोटा कि रॉयल पैट्रोनेज कौन प्रकार डोमिनेट कर बुद्धिजीम रिसीव्ड द रॉयल पैट्रोनेज ड्यूरिंग गुप्तज ये बिल्कुल गुप्त मानते गुप्त समय से भाव जोटा कि बुद्धिजीम को प्रायोरीटी दि जाऊला तेणु जदि आम देखा ऑप्शन सी हूँ राइट आंसर ऑल ऑफ द अबव इज राइट नेक्स्ट क्वेश्चन कहुची व्हिच पेयर इज रॉन्ग अबाउट क्लासिफाइड लैंड जो गुप्त वो इकोनॉमिक्स एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी रे खिला लैंड रहुची वेस्ट लैंड बस्ती लैंड रहुची हैबिटेबल लैंड अपहरता फॉरेस्ट लैंड एंड नॉन ऑफ द अबव बिल्कुल नॉन ऑफ द अबव हूँ राइट आंसर कहीं ये सब तक राइट रही खिला लैंड को वेस्ट लैंड कहा जाए बस्ती लैंड को हैबिटेबल लैंड कहा जाए अपहरता को फॉरेस्ट लैंड कहा जाए आदि आप देखिए ये तीनो जाक लैंड रेयर जब रईट रही आंसर आम क्या कह नन अफ द एब समस्ते रईट अच्छे ऑप्शन डी हूँ रईट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन बापरे ये मुझे देखा जी तो कौटी हाँ लुचि रही था टी गोटे मिनिट कहीं मत टे छोट हाँपी पड़ो जोटि आपण को क्वेश्चन देखा जा ना हाँ ये हाँ आई थिंक एबे क्वेश्चन देखा जाउथिबो हो देखो कोन कहला क्वेश्चन क्वेश्चन कहला हु स्टेटमेंट इज राइट अमंग देम अकॉर्डिंग टू गुप्ता इकोनॉमिक कंडीशन गुप्ता इकोनॉमिक कंडीशन को नहीं गुप्ता इंट्रोड्यूस द लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन नोन एज दिनरास या को दिनरास कहा जाए कि बिल्कुल निश्चिंत भाव राइट रही 100% राइट है जैसे किसी मैंने संदेह नहीं पुना कपर प्लेट इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड द एविडेंट अबाउट द लैंड सर्वेड ऑफ गुप्ता गुप्ता समय रे जो लैंड को सर्वे करा जाउथिला एंड डिफरेंट पार्ट रे डिवाइड करा जाउथिला जेंति मा आपन जस्ट प्रीवियसली कहली खिला लैंड ये सब जो लैंड कहली कि मा सीता लैंड क्राउन लैंड को सीता लैंड किया जाउथिला एंड जो लैंड सर्वे सिस्टम थिला या पुना कपर प्लेट इंस्क्रिप्शन प्रभावती गुप्त जो रही पुना कपर प्लेट इंस्क्रिप्शन जोटा ए प्रूफ मिली कि एंड आई होल पिलार इंस्क्रिप्शन मेनसन द बाउंड्री ऑफ इंडिविजुअल प्लॉट आउ ए जो आई होल पिलार इंस्क्रिप्शन रही
देखिए जो प्लॉट थिला ए प्लॉट को बाउंड्री माध्यम रे आज जेंती आपण जानथिबे गोटे गोटे बाउंड्री होय छे एटा होय मो लैंड एटा आपण को लैंड ए जो बाउंड्री माध्यम रे या को डिवाइड करा जिवार जो प्रूफ या ए होल पिलर इंस्क्रिप्शन रे यार प्रूफ मिले छे कि ए होल एच रहिबनी ए होल पिलर इंस्क्रिप्शन रे या मेंशन करा जाय छे कि ए तीनोटे स्टेटमेंट आपण को पचारी छी तबे एमानंक भितरे राइट केउटा अच्छी बोली आपण को मेंशन करे तेणु ओनली ए एंड बी ओनली ए एंड बी हूँ आपणकर राइट आंसर जोटा कि कौन गोटे मिनिट हाँ ओनली ए एंड बी हूँ राइट आंसर अर्थात गुप्त इंट्रोड्यूस द लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन यहाँ दिनराज बोली गोल्ड कॉइन को कहा जाता है पुना कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड द एविडेंट अबाउट द लैंड सर्वे ऑफ गुप्तस ए होल नो है यहाँ उसी पहाड़पुर यहाँ उसी महाराष्ट्र रा पहाड़पुर पिलार इंस्क्रिप्शन जो दिवा मेंशन नहीं रूलर पहाड़पुर पिलार इंस्क्रिप्शन मेंशन द बाउंड्री ऑफ इंडिविजुअल प्लॉट्स यहाँ से महाराष्ट्र रा अवस्थित ये पहाड़पुर पिलार इंस्क्रिप्शन जाके प्रूफ रखी था कौन ना इंडिविजुअल बाउंड्री बा प्लॉट बाउंड्री जो रही यहाँ पर ए होल पिलार इंस्क्रिप्शन नुहे तेना ऑप्शन ओनली ए एंड बी हूँ आपणकर राइट आंसर तेणु ऑप्शन सी रॉन्ग थी जो डी हूँ आंसर मीन्स ओनली ए एंड बी इज राइट सी इज रॉन्ग ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को जी हुज पेयर इज रॉन्ग अकॉर्डिंग टू गुप्त टैक्स जो गुप्त टैक्स रही गुप्त टैक्स हिसाब से क्योंटा रही आपणकर रॉन्ग जो गुप्त टैक्स सिस्टम रही तो ये क्योंटा रॉन्ग रही कल्पित सेल्स टैक्स सर्वारिस्टी फॉरेस्ट जो सॉरी फोर्स टैक्स बेतक भोग फ्रूट टैक्स ये भूल रही गला ओके जोटा हूँ बी ए बी सी डी एटा सी डी टिके चेंज हो जाए बेदक भोग जहाँकि रंग रही फ्रूट टैक्स नुहे बेदक भोग हूँ इरीगेशन टैक्स या कौन कहा जाए इरीगेशन टैक्स कहा जाए बुझला फ्रूट टैक्स जो अच्छी यह हूँ खाली भोग टैक्स ना हूँ भोग इरीगेशन टैक्स हूँ बेदक भोग ऑप्शन बी हूँ यार राइट आंसर देन नेक्स्ट हूँ मैच द फॉलोइंग पेयर मैच द फॉलोइंग पेयर आपण को जैक पेयर को आप मैच करार रही कौन ना शिव टेम्पल जो गुप्त आर्किटेक्चर रही शिव टेम्पल बुमरा मध्यप्रदेश रही पार्वती टेम्पल जो पार्वती टेम्पल नाचना कुठरा मध्यप्रदेश रही दशवतार टेम्पल देहगढ़ झांसी रही विष्णु टेम्पल तिगावा जबलपुर मध्यप्रदेश रही कि देवे निश्चित भाव सबुतक ही आपण को जो ए वन बी टू सी थ्री डी फोर सब ही सीरीयली अच्छी तो ऑप्शन सी हूँ आप राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कि हुज स्टेटमेंट इज गोटे मिनट हाँ राइट एमंग देम अबाउट पेंटिंग ऑफ गुप्तस गुप्त आर्किटेक्चर रो जो केव पेंटिंग रही जो केव पेंटिंग को नहीं इन अजंता केव जो अजंता केव रही 16, 17, 18 नंबर जो केव रही यहा जो कि नंबर एटा 18 नंबर केव नो केव पढ़े नहीं नंबर केव पढ़े 16, 17, 18 नंबर केव आसोसिएट विथ गुप्ता बा गुप्ता सहित 16, 17, 18 नंबर केव जो रही आसोसिएट की बा गुप्ता पेंटिंग बोली कहा जाए से 16, 17, 18 भितर 18 नंबर केव को पिक्चर गैलरी ऑफ गुप्ता एम्पायर कहा जाए कि बाघ केव ऑफ मध्यप्रदेश रही गुप्ता पेंटिंग को रिलेट करी थाए 2, 3, 4, 5, 6 यह आसोसिएट की तेरे प्रथम रु कही रखे 16, 17, 18 नुहे 16, 17, 19 हूँ गुप्ता पेंटिंग रा प्रूफ अजंता केव्रे था 18 नुहे 16, 17, 19
कैब नंबर 17 को पिक्चर गैलरी बोली कहा जाय था। बाघ कैब अप मध्य प्रदेश रे 2 3 4 5 6 9 7 V2I V2I 2 3 4 5 7 एसोसिएट विथ गुप्त तबे तीनोटी जंक आपनकर कोन रहिछि रॉन्ग रहिछि तबे एटी आमे जदि देखिबा सबूतक रॉन्ग रहिछि सॉरी एटा राइट पचारिछि यदि राइट पचारिछि आ सबूतक रॉन्ग रहिछि ताले ऑप्शन डी होछि राइट आंसर नन ऑफ द अबव कोनोसिटा एथिरे ठीक नाही ऑप्शन मानक भितरु मध्ये आमे काहाकु नै परिबे नाही ओके तनु कोटा भी राइट नाही सबूतक रॉन्ग अछि तनु ऑप्शन डी होछि आपनकर राइट आंसर बुझि पर्थिबे आशा करू छी। आज रे लास्ट क्वेश्चन मीरपुर खास स्तूप आपण जानिथिबे ओडिशा रत्नगिरी या मध्ये होची गुप्त कृतित्व एंड मीरपुर खास होची सिंधी सारनाथ होची धामेका सांची करिवेनी धामेका स्तूप योची तीनोटी जांक गुप्त आर्किटेक्चर तबे ऑप्शन बी होची यार राइट आंसर। तबे आज रे क्वेश्चन त एसएस होईची जदी आपनकु सेशन पसंद आसीथिबो निश्चित भाबे लाइक करिवे शेयर करिवे कमेंट करिया को बिल्कुल भूलिबेनी। जो क्वेश्चन मुति परिश्रम करी 2 घंटा 2.5 घंटा लागू छे क्वेश्चन को एनालिसिस करी आपन को क्वेश्चन देबा पई कि आ ए क्वेश्चन नो मर्यादा को बुझिबे एवं क्वेश्चन को आपन नोट डाउन करंतु बा आपन को फ्यूचर पई केमिति रखिबे ता आपन को ऊपर डिपेंड करी थाए बट क्वेश्चन सहित आपन जो क्वेश्चन को देखु चंती बा क्वेश्चन जो आंसर करु चंती तर वीडियो सॉल्यूशन मते देखिबा पई ट्राई करिवे कारण एले बहुत एनालिसिस रहुची जा कि मु केवल आंसर कहि दोनी कंप्लीट तीनोटी जो आपन को ऑप्शन रहिची याकु मते एनालिसिस करू छे ता हो सबटर इंपोर्टेंट फैक्ट। तबे जदी आपन ग्रुप माध्यम रे जॉइन करिया पई चाहू चंती मात्र 2 मंथ्स को आपन को 450 रहिची 2 मंथ्स को 450 इट मींस पर मंथ आपन को 225 पडला 225 टका मात्र जोटी कि आपन रेगुलर बा अल्टरनेटिव डे बेसिस रे आपन क्वेश्चन डिस्कशन ए निश्चित भाबे पाइबे या सहित सहित ओडिया ग्रामर क्वेश्चन डिस्कशन मध्ये पाइबे सो दैट कि आपन बिल्कुल भी लेट करंतुनी आज ही जॉइन करंतु ग्रुप रे यहाँ रही आपण नंबर 8249414425 ए नंबर मत व्हाट्सअप करंतु ग्रुप रे जॉइन होंतु कौन सी सजेशन रिक्वायर्ड थे मुँह आपण को प्रोवाइड करी तेणु आज पाई कि आम क्लास एट वाइंड अप करवा एंड जदि आपको सेसन पसंद आसी निश्चित भाव लाइक सेयर कमेंट करने को बिल्कुल भूलें। थैंक यू वेरी मच देखा आसंता क्लास में आउ किसी आंसेंट इंडिया क्वेश्चन मानक नहीं। थैंक यू वेरी मच।